नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वॉट्स मस्सों के। दोस्तों मस्से वॉट्स किन लोगों को होते हैं, सबसे पहला सवाल ये बनता है। सभी को तो ये होते नहीं, और जिन लोगों को होते हैं उनमें मेन कारण क्या होता है। यदि किसी भी महिला या पुरुष को मस्से वॉट्स हो रहे हैं तो सबसे पहला कारण जो हमें देखना होगा उनका जेनेटिक देखना होगा कि उनको जेनेटिक तो नहीं हुए हैं। यदि उनको या उनके किसी भी परिवार के सगे संबंधियों को ये समस्या है तो उनको भी आएंगे। उनको क्यों आ सकते हैं, क्योंकि यदि वो अपने किसी भी बीमारी में उल्टी दस्त या फिर जुखाम में एंटी एलर्जिक दवाइयां लेती हैं तो जो उनके पूर्वजों या फिर उनके मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी में जेनेटिक बीमारियां हैं वो जीन उनमें एक्टिव हो जाता है एंटी एलर्जिक दवाइयां लेने के बाद, और ये समस्याएं फिर उनको होने लगती हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी हो जैसे कि वॉट्स। वॉट्स होने का सबसे खतरा ज्यादा उन्हीं को होता है जिनकी परिवार में किसी भी दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा मामा चाचा, यदि किसी को भी कोई भी ग्रोथ की बीमारी है, कोई भी बढ़त की बीमारी है तो वो उन बच्चों में भी आ सकती है। तो आप लोगों को अपने बच्चों को एंटी एलर्जिक दवाइयां देने से पहले सोचना चाहिए कि आप एंटी एलर्जिक दवाइयां दे रहे हैं अपने बच्चों को तो उनमें आपकी बीमारियां भी आ सकती हैं किसी भी रूप में। यदि आप एंटी एलर्जिक दवाइयां लेकर अपनी कोई भी शारीरिक दुख को दबा रहे हैं, कोई भी डिजीज को दबा रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, तो वो शरीर में अंदर जाकर फिर कुछ ना कुछ इफेक्ट डालती है। वो किसी भी ऑर्गन पर डाल सकती है, चाहे वो स्किन पर। दोस्तों इसी वजह से मस्से वॉट्स होते हैं, तो आपको एंटी एलर्जिक दवाइयों से बचना होगा, जिससे आपको आपकी पीढ़ियों की दवाइयों से या फिर बीमारियों से बचना है। तो दोस्तों यदि आपको वॉट्स हैं और आपने थूजा काफी बार ले चुके हैं, थूजा की पोटेंशियां बदल चुके हैं, थूजा की आपने काफी सीसियां खत्म कर चुके हैं और आपको आराम नहीं आ रहा है, तो दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए भार्गव कंपनी द्वारा बनाई गई वर्टिन ड्रॉप। दोस्तों वर्टिन ड्रॉप उन लोगों को लेनी चाहिए जिन्होंने थूजा इस्तेमाल कर रखी है और कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। दोस्तों इसमें भार्गव कंपनी ने काफ़ी अच्छी मेडिसिन डाली गई है जिनके रिजल्ट वॉट्स मसों पर काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। दोस्तों जो सबसे पहली मेडिसिन है इसमें वो है एंटीमोनियम क्रूडम। दोस्तों एंटीमोनियम क्रूडम इसमें 6x पावर में डाली गई है। एंटीमोनियम क्रूडम मस्सों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों दूसरी मेडिसिन इसमें है कोस्टिकम। कोस्टिकम भी मस्सों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तीसरी मेडिसिन है डलकामारा। डलकामारा भी इसमें काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि 6x पावर में है। ये भी मस्सों के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। पांचवी मेडिसिन है इसमें नेट्रम सल्फ्यूरिकम। नेट्रम सल्फ्यूरिकम भी मस्सों के लिए और आपके जेनेटिक के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जो आपको जेनेटिक मस्से आ रहे हैं। नाइट्रिकम एसिडम जो मेडिसिन है वो भी मस्सों के लिए काफ़ी बेहतरीन मेडिसिन है। जो भी फैले हुए मस्से होते हैं
उनको ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्टेफिसेग्रिया, स्टेफिसेग्रिया यदि कोई भी ग्रोथ अननेचुरल हो रही है मस्सों जैसी, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। और सबसे लास्ट में जो मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा भी दोस्तों इसमें डाली गई है और वो 2x पावर में डाली गई है। दोस्तों यदि आप मस्सों में वर्टिन ड्रॉप ले रहे हैं तो इसकी 25-25 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम आधा कप पानी में लेना है। खाना खाने के आधा घंटा पहले या बाद आप इसको ले सकते हैं। कांच का बर्तन आपको यूज करना है या फिर प्लास्टिक कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।